हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एडुकेटम। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं बोर्ड एग्जाम्स की? उम्मीद है आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में मैं भी आपका पूरा पूरा सहयोग कर रही हूं। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपकी सारी तैयारी कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आप हायर मार्क्स स्कोर कर पाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएंगे और हो सकता है कि कोई इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपका मिस हो जाए। तो इसलिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके हायर मार्क्स स्कोर हो पाएं। जैव प्रक्रम के तहत हमने पोषण और श्वसन की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर ली है और अब परिवहन की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने जाना था कि एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, युगलीना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसकी स्टडी हमने अच्छी तरह से कर ली थी। लेकिन जो जटिल उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनमें पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास तंत्र डेवलप होता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। इसे संवहन बंडल भी कहते हैं क्योंकि उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं वह काफी लंबे लंबे होते हैं और इन लंबे पौधों में जड़ से लेकर पौधे की ऊंचाई तक पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा नहीं हो पाता है। इसी के लिए उच्च वर्गीय पौधों में एक खास तंत्र डेवलप होता है जिसके अंतर्गत हमने स्टडी किया था जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ से यानी रूट से जल यानी वाटर एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जहां इसकी जरूरत होती है। यानी जाइलम का क्या काम है? जाइलम जल एवं खनिज लवण को रूट के द्वारा अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। और फ्लोएम भी संवहन ऊतक का भाग है। फ्लोएम के बारे में हमने क्या जाना था कि फ्लोएम पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में जहां इसकी आवश्यकता होती है उन भागों में पहुंचाता है। यह फ्लोएम का काम है। और इसे याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था कि अगर आपको याद नहीं रहता है कि जाइलम जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का पत्तियों से लेकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यह याद न रहे तो आप ट्रिक के द्वारा याद रखें। जौ से जल, जौ से जाइलम, यानी जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। फ से फूड और फ से फ्लोएम, यानी फूड यानी भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? यह फ्लोएम करता है। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने जाइलम एवं फ्लोएम में जो अंतर होती है वह भी हमने जान लिया था। उसके बाद हमने जाना वाष्पोत्सर्जन के बारे में यानी ट्रांसपिरेशन। इसमें हमने जाना था कि पौधे के वायवीय भागों से यानी पौधे के वायवीय भाग में जो रंध्र यानी स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन में हमने जाना कि विभिन्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रतिदिन अलग अलग होती है। इसमें हमने देखा था कि मकई का पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर वाष्प का उत्सर्जन करता है, वहीं सेब का पौधा एक दिन में 10 से 20 लीटर वाष्प का उत्सर्जन करता है। तो यह अलग अलग पौधों में वाष्पोत्सर्जन अलग अलग होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एवं महत्व के बारे में भी हमने जाना था। बच्चों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। मैंने जो भी वीडियोस बनाई है वह सब इसलिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो पाए। जितनी स्टडी मैंने करवाई है उतने से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, एक भी वीडियो मिस ना होने पाए, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जंतुओं में परिवहन यानी जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन की क्रिया होती है। बच्चों, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के
एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इसे ही परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र का काम होता है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो बच्चों जानते हैं विभिन्न जंतुओं में किस प्रकार से पदार्थों का परिवहन होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मछली से। मछली में दो चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, यानी दो वेसम वाले हृदय होते हैं। तो बच्चों यह बना लेते हैं मछली। मछली में जैसा कि हम जानते हैं कि टू चैम्बर्ड हार्ट होती है, इस तरह से यहाँ पर जो गिल्स है, तो गिल्स में क्या होंगी, गिल्स कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी और यहाँ पर बॉडी कैपिलरीज होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों हार्ट होती है। इस तरह से मछलियों की जो हार्ट है, यह क्या है, हार्ट है यानी हृदय है। मछलियों का हृदय दो चैम्बर्ड का होता है और हृदय में ज्यादातर अशुद्ध रक्त ही आते हैं। हृदय क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है और यह ब्लड को पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में। तो हृदय के पास कैसा रक्त आ रहा है, हृदय के पास हमेशा ही अशुद्ध रक्त आता है। तो सबसे पहले दिखा लेते हैं कि यह क्या है, यह गिल केशिकाएं हैं। और यह बॉडी केशिकाएं हैं, यानी बॉडी कैपिलरीज है। तो बॉडी कैपिलरी से हमेशा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ आ रहे हैं, सीधे हृदय में आ रहे हैं। अशुद्ध रक्त हृदय में आ गए, अब हृदय से इसे कहाँ पंप कर दिया जा रहा है, हृदय से इसे गिल्स में पंप कर दिया जा रहा है। गिल्स में गिल्स केशिकाएं होती हैं। गिल्स में हमेशा जल की धाराओं का प्रवाह होता रहता है। तो गिल्स में क्या है, जल की धाराएं हमेशा बनी रहती हैं और जल की धाराओं के साथ उनमें घुलित ऑक्सीजन भी गिल्स में प्रवेश करते हैं और यह ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाते हैं विसरण क्रिया के द्वारा। गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ से क्या देख रहे हैं कि गिल केशिकाओं से होते हुए ब्लड आर्टरी से होते हुए कहाँ जा रही है, बॉडी कैपिलरीज में। फिर बॉडी कैपिलरीज से अशुद्ध रक्त वेन के द्वारा कहाँ भेज दिए जा रहे हैं, हार्ट में। फिर हार्ट इसे कहाँ पंप कर दे रहा है, इस अशुद्ध रक्त को जो बॉडी कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में आए हैं वह कहाँ पंप कर दिए जाएंगे, वह फिर गिल्स में पंप कर दिए जाएंगे। और जब मछलियां मुंह खोलती हैं इस तरह से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधे जल में मिक्स हो जाएगी और फिर वहां से जल की धाराओं के साथ फिर घुलित ऑक्सीजन मछली के मुख के अंदर प्रवेश करेगी। और जब मछली अपना मुख बंद करती है तो फिर घुलित ऑक्सीजन गिल केशिकाओं से होते हुए फिर आर्टरी से होते हुए बॉडी कैपिलरीज में चली जाएंगी। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड पंप हो रहा है। तो इस तरह से मछलियों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि मछलियों के हार्ट से यानी हृदय से सिर्फ एक बार ब्लड पास हो रहा है। क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक बार ब्लड पास हो रहा है। और हमारे जैसे उच्च वर्गीय जंतु में क्या होता है, हमारे हार्ट से दो बार ब्लड पास होता है, तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन मछलियां उतना एडवांस नहीं है, वह निम्न श्रेणी की जीव है, तो उनमें क्या है, टू चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें एक आलिंद और एक वेश्म पाए जाते हैं। हृदय में क्या है, मछलियों के हृदय में दो वेश्म होते हैं जिनमें एक आलिंद और एक नीले पाए जाते हैं, जिसके कारण मछलियों का हार्ट कैसा है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, दो चैम्बर यानी एक आलिंद और एक नीले। और इसमें सर्कुलेशन किस तरह से होती है, इसमें हार्ट में सिर्फ एक बार रक्त का प्रवाह होता है, जिसके कारण इसे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ, मछलियों के हृदय में दो वेश्म होते हैं, एक आलिंद और एक नीले। मछलियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, यह हमने पहले के वीडियो में भी स्टडी कर लिया है। तो मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है। गिल्स की पोजीशन हमने देख ली है कि गिल्स आंख के पार्श्व भाग में होता है, यानी लैटरल साइड में होता है। तो यह क्या है,
यह गिल्स की स्थान है, तो गिल्स में गिल केशिकाएं प्रेजेंट होती है। मछलियों में क्या है कि मछलियां जो सांस लेती हैं तो जल में घुलित ऑक्सीजन जलधारा के साथ क्या होता है, मछलियों के अंदर प्रवेश करती है। और यह कहां जाती है, यह गिल्स में प्रवेश करती है। जब मछलियां मुंह खोलती हैं तो जलधारा के साथ साथ घुलित ऑक्सीजन भी मुख में प्रवेश करती है, और यह ऑक्सीजन जब गिल्स में जाती है तो वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी जल में घुलित ऑक्सीजन गिल्स केशिकाओं में चले जाते हैं विसरण क्रिया के द्वारा, फिर वहां से यह पूरे बॉडी में आर्टरीज के द्वारा चले जाते हैं, फिर यह बॉडी कैपिलरीज में जाते हैं और अशुद्ध रक्त वेंस के द्वारा फिर हार्ट में भेज दिए जाते हैं। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, यह क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, कहाँ पंप करता है, यह फिर यह गिल्स में भेज देता है रक्त को। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ से जो अशुद्ध रक्त बॉडी कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में आए, फिर हार्ट से अशुद्ध रक्त को पंप कर दिया गया गिल्स में। तो अशुद्ध रक्त में हम क्या जानते हैं, CO2 होता है, अशुद्ध रक्त में CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 फिर जब मछलियां मुंह खोलती हैं तो CO2 जलधारा के साथ बाहर चली जाती है, और फिर जलधारा के साथ ही ऑक्सीजन जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वह मुख के अंदर आते हैं, फिर वह गिल्स में प्रवेश करते हैं और यह चक्र चलता रहता है। और इस तरह से हमने क्या देखा कि मछलियों के हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो भी अशुद्ध रक्त का। तो इसे क्या कहते हैं कि मछलियों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और मछलियों में जो हार्ट पाया जाता है उसे वेनस टाइप का हार्ट कहते हैं, क्योंकि मछलियों के हार्ट में हमेशा वेनस ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है, जिसे सीरिय रक्त कहते हैं। इसी कारण से मछलियों के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मछलियों में किस प्रकार से रक्त का परिवहन होता है। बच्चों अब हम जानेंगे कि किस तरह से मेंढक में रक्त का परिसंचरण होता है। तो मेंढक में रक्त परिसंचरण के बारे में देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि मछलियों का हार्ट टू चैम्बर्ड का था, तो मेंढक उससे ज्यादा उन्नत प्राणी है, यानी उससे ज्यादा विकसित प्राणी है, तो उसमें हार्ट भी थोड़ा डेवलप हो गया है। तो हार्ट अब मेंढक का यानी एम्फीबियंस का जो हार्ट है वह तीन चैम्बर्ड का होता है। मछलियों में हमने देखा कि दो चैम्बर्ड के हार्ट थे, पर एम्फीबियंस में ये थ्री चैम्बर्ड के हो जाते हैं। यानी एम्फीबियंस क्या है, पाइसिस यानी मछलियों के वर्ग से ज्यादा डेवलप है, तो एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनमें से दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। दो क्या है, आलिंद है जिसे ऑरिकल कहते हैं, और एक निलय है जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। तो मेंढक में क्या है, तीन बेसम का हृदय होता है, यानी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, दो आलिंद और एक निलय। तो कुल मिला के कितने हो गए, थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो गए। तो इस तरह से देख लेते हैं, यह हम लोग क्या बना रहे हैं, यह हम लोग बना रहे हैं आलिंद। यह दो आलिंद हो गए, यह दायां आलिंद और यह बायां आलिंद, दो आलिंद और मेंढक में एक निलय पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, निलय। अब यह क्या है, दो आलिंद और एक निलय, इसे लिख लेते हैं। यह क्या है, दायां आलिंद और यह है बायां आलिंद, और यह है नीले। नीले एक ही होती है, मानव में दो नीले होते हैं, तो मानव में क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, नीले एक ही है। तो एक नीले हमने लिख लिया। अब इस तरह से बना लेते हैं, और अब यहाँ जो है यह क्या बना लिया हमने, यह बना लिया हमने साइनस वेनोसस, यह हमने बना लिया साइनस वेनोसस कहते हैं इसे। यह जो रचना है यह क्या है, यह साइनस वेनोसस है, यह दायां आलिंद, यह बायां आलिंद और यह नीले। और यह जो हमने बनाया यह क्या है, यह एओर्टा है, और यह क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। अब सबसे पहले देखेंगे कि अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त साइनस वेनोसस से आता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रवेश कर रहा है, अशुद्ध रक्त को हमेशा ब्लू से दिखाते हैं,
या ब्लू कलर इंडिकेट करता है सीरिये रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को। तो यह कहाँ आ गया? साइनस वेनोसस से दायां आलिंद में रक्त आ गया। अब दायां आलिंद से कहाँ आएगा? यह अशुद्ध रक्त इस तरह से नीलय में चला आएगा। यहाँ से क्या हुआ? अशुद्ध रक्त प्रवेश कर गया नीलय में। अब देखते हैं शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? शुद्ध रक्त लंग से आएगा। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर लंग है, यह क्या है? लंग है। और लंग से क्या हुआ कि शुद्ध रक्त आएगा। शुद्ध रक्त को मैं बना देती हूँ रेड से, यह है लंग यानी फेफड़ा। तो शुद्ध रक्त लंग से होता हुआ कहाँ आएगा? यह आएगा बायां आलिंद में। शुद्ध रक्त बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? फिर नीलय में आता है। तो इस तरह से शुद्ध रक्त कहाँ आ गया? नीलय में। तो नीलय में क्या देख रहे हैं हम कि अशुद्ध रक्त भी है। यहाँ से साइनस वेनोसस से होते हुए अशुद्ध रक्त कहाँ आया? दायां आलिंद, यह दायां आलिंद है। दायां आलिंद से फिर अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? नीलय में आता है। फिर शुद्ध रक्त देखते हैं, शुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है? लंग से। लंग में ही गैसियस एक्सचेंज होता है यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त, यह बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद से शुद्ध रक्त फिर कहाँ आता है? नीलय में आता है। नीलय में क्या हो रहा है कि मिश्रण हो जा रहा है ना, अशुद्ध रक्त भी है और यहाँ शुद्ध रक्त भी है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहाँ पर मिल जा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त अलग अलग रहे, क्योंकि एम्फीबियंस जो है वह बहुत डेवलप नहीं है। मानव में दो वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड का अलग अलग रास्ता है, अशुद्ध रक्त का भी अलग रास्ता है और शुद्ध रक्त का भी अलग रास्ता है, जिसके कारण हार्ट से ब्लड दो बार गुजरते हैं, जिसके कारण मानव का हार्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर दो बार हार्ट से ब्लड भली भांति नहीं गुजर पा रहा है, यहाँ पर ब्लड मिक्सअप हो जा रहा है, जिसके कारण एम्फीबियंस के ब्लड में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? इनकम्प्लीट। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पूरी तरह से हार्ट से दो बार ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव में कॉम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है क्योंकि वहाँ हार्ट से दो बार ब्लड गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड वेंट्रिकल में हम क्या देख रहे हैं कि मिक्सअप हो जा रहा है। अशुद्ध और शुद्ध रक्त का अलग अलग रास्ता नहीं है, जिसके कारण इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब वेंट्रिकल में जो मिक्स ब्लड है वह इस एओर्टा से होता हुआ कहाँ चला जाता है? यह जो पैसेज है इसे क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। तो मिक्स ब्लड कहाँ जा रहा है? एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। और यहाँ पर अशुद्ध रक्त फिर शुद्ध होने के लिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाता है? फिर लंग में चला जाता है। यह क्या है? यह पल्मोनरी आर्टरी है, इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो यह मिश्रित ब्लड एक ओर जहाँ एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है, वहीं दूसरी ओर यह मिश्रित ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर लंग्स में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर लंग से प्योर ब्लड कहाँ आएंगे? बायां आलिंद में। यह प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एम्फीबियंस में हार्ट थ्री चैम्बर्ड के होते हैं और यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि वेंट्रिकल एक होने की वजह से ब्लड मिक्सअप हो जा रहे हैं, जिसके कारण अशुद्ध और शुद्ध रक्त का रास्ता अलग अलग नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक बार इसको फिर से बता देती हूँ। मेढक का हार्ट तीन चैम्बर का यानी तीन वेश्मों का होता है, जिसमें दो आलिंद और एक नीलय होते हैं। यह है दो आलिंद, यह पोर्शन जो आपने देखा यह क्या है? आलिंद है, यह पोर्शन आलिंद है। और यह जो पोर्शन आपने देखा यह नीचे, यह नीलय है। और हार्ट एक पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इस तरह से हार्ट जो है एक
पतली झिल्ली से घिरी रहती है, इस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हार्ट जिस झिल्ली से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो यह हो गए मेंढक के 3-chambered हार्ट। अब देखते हैं कि सर्कुलेशन ब्लड का किस तरह से होता है। तो यहाँ अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से कहाँ आता है, साइनस वेनोसस, इस पोर्शन को साइनस वेनोसस कहते हैं। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आ रहा है, यह दाया आलिंद में आ रहा है, दाया आलिंद से यह नीले में चला जाता है। फिर शुद्ध रक्त फेफड़े से कहाँ आ रहा है, बाया आलिंद में आता है, बाया आलिंद से यह नीले में चला आता है। और नीले में चूंकि एक ही नीले है तो अशुद्ध और शुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं। फिर यह मिश्रित रक्त एओटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाता है। यह आप देख रहे हैं कि एओटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला जाएगा। फिर यही मिश्रित रक्त, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह जो मिश्रित रक्त है यह एओटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। और दूसरी तरफ यही मिश्रित रक्त फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चले जाते हैं, जहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है और ब्लड शुद्ध हो जाता है। और यह चक्र चलता रहता है। और इस चक्र में ब्लड कम्प्लीटली 2 बार हृदय से नहीं गुजरते हैं, जिसके कारण इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और मेंढक के रक्त की विशेषता होती है कि मेंढक के रक्त में जो RBC पाए जाते हैं वह न्यूक्लिएटेड होते हैं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके रक्त के RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मेंढक के रक्त की विशेषता होती है कि मेंढक के रक्त के RBC में, WBC में और थ्रोम्बोसाइट्स में, तीनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मानव में यह थ्रोम्बोसाइट्स ही प्लेटलेट्स कहलाता है। और हमारे प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ना ही हमारे RBC में न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन मेंढक के थ्रोम्बोसाइट्स, RBC और WBC तीनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यह हो गई एम्फीबियंस में रक्त परिवहन के बारे में। अब जानेंगे रेप्टिलिया में किस तरह से रक्त का परिवहन होता है। अब आते हैं रेप्टिलिया में। तो रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग में 3.5 यानी 3.5 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। रेप्टिलिया दरअसल एम्फीबिया से ज्यादा विकसित है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, विकास के क्रम में हार्ट के चैम्बर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मछलियों में 2 पाए जा रहे थे, यानी पाइसेस वर्ग में 2 पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में 3-chambered हार्ट होते हैं, और रेप्टिलिया जो कि एम्फीबियंस से भी विकसित है उनमें 3.5 chambered के हार्ट पाए जाते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल्स अपवाद है, यह बहुत एडवांस है, रेप्टिलियंस में यह सबसे एडवांस है, तो इसमें 4 chambered के हार्ट पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं इसे, क्रोकोडाइल में 4 chambered के हार्ट होते हैं, यानी 4 basin वाले हार्ट होते हैं। यह अपवाद है, इसे जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर अपवाद से ही पूछे जाते हैं। रेप्टिलिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस इससे अगर क्वेश्चन बनता भी है तो सिर्फ यह कि रेप्टिलिया में कितने चैम्बर के हर्ट होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन क्रोकोडाइल से पूछे जाते हैं, बस और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आप इतनी ही जानकारी रखें। और इसके बाद है स्तनधारी। तो स्तनधारी में 4 chambered हर्ट होते हैं। स्तनधारी में यानी 2 auricle और 2 ventricle, और इसलिए इसमें अशुद्ध और शुद्ध रक्त अलग अलग रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए स्तनधारियों में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो बच्चों आज हमने बहुत माइन्यूटली स्टडी किया है, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी छूटेगा नहीं। अगर आप वीडियो को बिना स्केप किए देख रहे हैं तो यकीनन आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वह आप मिस नहीं करेंगे, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे ज्यादा पूछेगा नहीं। इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छी तरह से स्टडी पर ध्यान दें। जो भी मैंने पढ़ाया है बस उतने ही से क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही। और अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।